हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन studyindiaadda.com में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, साथ ही साथ यहां पे एसएससी जेईई टायर 1 का क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया गया दोस्तों। और ये क्लासेस आपको डेली 8 PM में नाइट में रहेगा दोस्तों, तो आप लोग डेली हैबिट में रहिए कि 8 PM में लाइव आने के लिए। अभी आप लोग को हिस्ट्री का क्लासेस हुआ है, दो लेक्चर आपको हिस्ट्री का, प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाता है और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंटिन्यू विजिट करते रहिए और साथ ही साथ studyindiaadda.com एक वेबसाइट बना लिया गया, यहाँ पे क्लासेस का PDF आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है, तो यहाँ से क्लासेस का PDF भी आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार क्लासेस चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे सभी का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया दोस्तों एग्जाम वाइज, तो वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं, एसएससी जेईई टायर 1 में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे आज जो है आपका तीसरा क्लास है, प्रत्येक दिन 8 PM में लाइव होता है और प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन आपको सोल्व कराया जाता है दोस्तों। और वैसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड होते हैं। हिस्ट्री का आपको 3 से 4 वीडियो में आपको प्रोवाइड कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, ये आपका जो है तीसरा वीडियो है। एक वीडियो और हिस्ट्री का प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वो मास्टर वीडियो भी आपको देखना बहुत ही मस्ट है। आप लोग को सिलेबस जो प्रोवाइड कराया गया है दोस्तों आप नॉनटेक का, जिसमें आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड हिस्ट्री का, अभी हिस्ट्री का भी क्लासेस चल रहा है, हिस्ट्री तीसरा लेक्चर है, चौथा लेक्चर, एक लेक्चर और प्रोवाइड कराने देने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और दिल से सभी लोग वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और क्लासेस के PDF के लिए studyindiaadda.com वेबसाइट पर विजिट करना है और यहां से फ्री में क्लासेस के PDF को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कंटिन्यू जो है इस सेशन को टिल लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप करने की कोशिश ना कीजिएगा, और साथ साथ में सभी लोग कमेंट करते चलिएगा और लास्ट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दिल्ली वाज द रेसिडेंस ऑफ द एम्पायर ऑफ विच डायनेस्टी इन 16th century? 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास स्थान था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। दिल्ली 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास स्थान था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुगलों का। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स बेयर द सक्सेसर ऑफ द तैमूर द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासन तैमूर के परवर्ती थे। सब लोग कमेंट कीजिएगा, 102 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुगल। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुगल ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासन तैमूर के परवर्ती थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, शेरशाह सूरी डिफेक्टेड विच मुगल एम्पायर? शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? सब लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुमायूं को। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बाय औरंगजेब। किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, 104 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, आप इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां को। ठीक है, शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज इलिटरेट? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? सब लोग कमेंट कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर जो था दोस्तों अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टोडरमल वाज द फेमस रिवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ मुगल एम्पायर? टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? सब लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। इस चैनल पर वैसे क्वेश्चन करवाया जाता है जो अक्सर एग्जामों के लिए मोस्ट रिपीटेड होते हैं। सब लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। टोडरमल अकबर मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन 1528 डिफेक्टेड द राजपूत एट चंदेरी, 1528 में किसने चंदेरी के राजपूतों को हराया था, 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबर। 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था, 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर वाज द ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकम एम्पायर, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था। इस क्वेश्चन को भिवे लगाकर रट लीजिए, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अकबर ने कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 13। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रिंस खुर्रम वाज द नेम ऑफ द फ्यूचर एम्पायर, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर किस सम्राट कहलाया, ठीक है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर कौन सम्राट के नाम से विख्यात हुआ था, सब लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शाहजहां। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाया, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर खां डिफेक्टेड एट चौसा 1539 एंड कनौज 1540। अक्सर पूछा जाता है कनौज का युद्ध कब हुआ एंड चौसा का युद्ध कब हुआ, ठीक है। फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, शेर खां ने को चौसा और कनौज 1540 में हराकर उसे ईरान को और भगाने के लिए बाध्य किया था। किसको किया था वो आपसे पूछा जा रहा है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हुमायूं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें दोस्तों कि शेर खां ने हुमायूं को चौसा युद्ध जो कि 1539 और कनौज युद्ध 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, किसको, हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ व्हिच मुगल एम्पायर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। नूरजहां बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जहांगीर का, ठीक है। नूरजहां जो थी जहांगीर का पत्नी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन। द ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह लाइज इन हिज, शेर शाह की महानता किसमें निहित है, शेर शाह की महानता किसमें निहित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह की महानता सबसे ज्यादा लोकप्रिय था दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन। जजिया कर को किसने समाप्त किया था, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया। जजिया कर को किसने समाप्त किया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मुगल जुडिशियल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, मुगल न्यायिक प्रणाली इस पर आधारित था, किस पर आधारित था वो आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इस्लामी कानून पे, इस्लामिक लॉ पे जो है आधारित था। मुगल न्यायिक प्रणाली इस्लामिक लॉ पे आधारित था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत किया था। हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ड्यूरिंग अकबर रीजन हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा टोडरमल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल के वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकबर रिज में वाज द मिलिट्री हेड, अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के सेनापति कौन था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मीर बख्शी। बहुत लोग इस क्वेश्चन को लेकर के ऑप्शंस के अनुसार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मीर बख्शी जो था दोस्तों वो अकबर के शासनकाल के सेनापति था, ठीक है, मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु वाज द ट्रस्टेड जनरल ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मानसिंह प्रथम।
मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति की बात करें दोस्तों तो मानसिंह प्रथम को जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हु बिल्ट हवा महल, हवा महल का निर्माण किसने किया था, हवा महल किसने बनवाया था। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। करेक्ट आंसर होगा महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हवा महल का निर्माण राजा महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द आयरन पिलर इज लोकेटेड इन, लौह स्तंभ कहां स्थित है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, आयरन पिलर लौह स्तंभ कहां स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कुतुब मीनार भवन समूह में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इंडियन मुगल पेंटिंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्पायर, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। सब लोग कमेंट कीजिएगा, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर ऑफ जहांगीर रिजाइन वाज कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ नदीर उर अरसा, नदीर उर असरा, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नदीर उल असरा की उपाधि दिया गया था। नदीर उल असरा की उपाधि की बात हो रहा है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा मंसूर को, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नदीर उल असरा का उपाधि दिया गया था, मंसूर को। मंसूर क्या था दोस्तों, वो एक चित्रकार था, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर आर्ट, कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हम्पी। हम्पी जो है दोस्तों विजयनगर कला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अजमेर का किला किसने बनवाया था, सॉरी आमेर का किला, आमेर का किला किसने बनवाया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय अकबर इन विच सिटी, अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा अकबर द्वारा ही बनाया गया था बुलंद दरवाजा, क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है बुलंद दरवाजा कौन बनाया है, अकबर के द्वारा बनाया गया है, वो किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो स्थित है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, खास महल एंड शीश महल आर बिल्ट इन विच वर्ल्ड हेरिटेज मोमेंट, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है। सलो कमेंट कीजिएगा, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, आगरे का किला आगरा फोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइज ऑफ द अल्लाई दरवाजा गेट, अल्लाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है, अल्लाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, अल्लाई दरवाजा दोस्तों कुतुब मीनार में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अल्लाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरदोजी एम्ब्रॉयडरी बिकम पॉपुलर अंडर, कहने का मतलब जरदोजी कढ़ाई के तहत लोकप्रिय हुआ था, किसके तहत लोकप्रिय हुआ था वो आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर के तहत, जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुआ था, जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु बिल्ट जोधपुर फोर्ट, जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था, जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था। सब लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राव जोधा जी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राव जोधा जी के द्वारा जोधपुर के किले का निर्माण किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द इबादत खाना वाज द मीटिंग हाउस बिल्ट बाय विच मुगल एम्पायर, इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था। इबादत खाना की बात हो रहा है दोस्तों, ये किया गया था अकबर के द्वारा ही किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इबादत खाना जो एक बैठक थी जिसको मुगल सम्राट
अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द पीकॉक थ्रोन वाज द फेमस ज्वेल्ड थ्रोन दैट वाज द सीट ऑफ द एम्पायर ऑफ इंडिया। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किस सम्राटों का हुकूमत था। मयूर सिंहासन की बात हो रहा है, वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मुगल का। ठीक है, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों द्वारा जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राट का हुकूमत था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ताजमहल को। ठीक है, ताजमहल जो है दोस्तों विश्व विरासत स्थल है जो कि यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन बीच ऑफ दिज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है। सोलो कमेंट कीजिएगा, जामा मस्जिद है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है। फतेहपुर सीकरी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वर्ल्ड हेरिटेज मोमेंट हैज बीन एक्लेम्ड एज द नेक्रोपोल ऑफ मुगल डेंसडे। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुआ था। करेक्ट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द फेमस हवा महल इज इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस सिटी में, किस शहर में है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हवा महल जयपुर में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोती मस्जिद इज सिचुएटेड इन बीच ऑफ दिज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मोती मस्जिद रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में, लाल किला परिसर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है वाज बिल्ट बाय। लाल किला दिल्ली को किसके द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां। लाल किला जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ताजमहल इज कॉल्ड ड्रीम इन मार्वल। विच मोमेंट इज कॉल्ड एज ए ड्रीम स्टोन। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न, ए ड्रीम ऑफ मार्वल कहा जाता है। इस स्मारकों को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। किस स्मारकों को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी द पंचमहल को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द पंचमहल, पंचमहल को ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 142 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न, ए ड्रीम ऑफ मार्वल कहा जाता है, और पंचमहल को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। ठीक है, पत्थर में स्वप्न किसको बोला जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा। पत्थर में स्वप्न पंचमहल को बोला जाता है, एंड संगमरमर में स्वप्न ताजमहल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय महाद्वीपीय में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था। भारतीय महाद्वीपों में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हुमायूं टॉम्बाज बिल्ट बाय। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये। हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो प्रोवाइड कराता हूं दोस्तों, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आप लोग का लाइक शेयर ही हम लोग को मोटिवेट करता है बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए। इसलिए लाइक शेयर करने में कमी नहीं किया कीजिए। ठीक है,
आपको हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी की ओर बढ़ते हैं। शाहजहां बिल्ड ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुमताज महल की याद में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल फोर, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुमताज के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय, आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था। आगरे के किले को अकबर के द्वारा बनवाया गया था, याद कर लीजिएगा। आगरा के किला को अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हु बिल्ट जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द बीबी का मकबरा इज ए टॉम लोकेटेड इन, इट वॉज बिल्ट बाई आजम शाह सन ऑफ औरंगजेब इन 1678। बीबी का मकबरा कहाँ में स्थित है, एक कब्र है जिसका औरंगजेब के बेटे आजम खान ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है दोस्तों, जिसका औरंग इसका औरंगजेब के बेटे आजम खां आजम सॉरी आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज, ताजमहल के अंदर उद्यान को किस रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मुगल गार्डन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मुस्लिम दारागाह ऑफ सलीम चिश्ती इज सिचुएटेड इन, सलीम चिश्ती का दरगाह किसमें स्थित है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सलीम चिश्ती का दरगाह किसमें स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। सभी को पता होगा आई थिंक, बहुत बार इस सब सभी क्वेश्चन इस चैनल पे करवाया गया। करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचमहल इज सिचुएटेड इन, पंचमहल कहाँ स्थित है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा किसमें स्थित है, पंचमहल किसमें स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी में पंचमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा इज द मेन एंट्रेंस टू द प्लेस एट, बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी का। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस्फान द पर्शियन कैपिटल इज सेड टू हैव प्रोवाइड द इंस्पिरेशन टू बिल्ट विच ऑफ दिज मोमेंट, कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है, वह स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, लाल किला परिसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट 73 मीटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट रूरल मशोनरी मिनारेट, कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मलबे की चिकनाई से बनी सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज गोल गुंबद, गोल गुंबद क्या है। चलो कमेंट कीजिएगा, गोल गुंबद ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद अदील शाह का मकबरा है गोल गुंबद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेक पैलेस बिल्ट बाय महाराणा जगत सिंह टू इज इन भीच सिटी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया लेक पैलेस किस शहर में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उदयपुर। महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया लेक पैलेस उदयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली बाज बिल्ट बाय, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वेयर इज हुमायूं टॉम इज लोकेटेड, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गोल गुंबज वाज बिल्ट इन व्हिच सेंचुरी, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट, सॉरी बुलंद दरवाजा की बात हो रहा है दोस्तों, बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। बुलंद दरवाजा कहां है दोस्तों, फतेहपुर सिकरी में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु हैज बिल्ट द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, टावर ऑफ विक्ट्री जो है राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय, आगरे किले का निर्माण कौन बनवाया था। आगरे किले का निर्माण अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आगरा किले का निर्माण अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये गोल गुंबज बाज डिजाइन बाय, गोल गुंबज को किसने अभी कलित किया था, कौन डिजाइन किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाबुल के याकूब, याकूत, ठीक है, डाबुल के याकूत, याकूत ऑफ डाबुल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा के वस्तुकार कौन थे, हुमायूं के मकबरा के वस्तुकार कौन थे, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिरक मिर्जा घियात, ठीक है, मिरक मिर्जा घियात, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हुमायूं के मकबरा के वस्तुकार थे, आर्किटेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चार मीनार बाज बिल्ट बाय, चार मीनार का निर्माण किसने किया था। सभी को पता होगा, बहुत बार इस चैनल पर करवाए हैं। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। द मॉस्क्यू विथ शैकलिंग मिनरेट इज सिचुएटेड इन व्हिच इंडियन सिटी, झुलमी मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। झुलमी मीनारों वाली मस्जिद की बात हो रहा है दोस्तों, ये अहमदाबाद में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, झुलमी इमारतों, झुलमी मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के अहमदाबाद सिटी में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज चार मीनार लोकेटेड, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। सभी को पता होगा हैदराबाद में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, गोल गुंबज इज लोकेटेड इन, गोल गुंबज कहां स्थित है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, गोल गुंबज कर्नाटका में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द मेहरौली पिल्लर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्रेमेटी फेमस फॉर, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिल्लर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सलेंट क्वालिटी स्टील, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये द रिनाउंड टेम्पल एट राणा कपूर इज ए टेम्पल, सॉरी ध्यान दीजिएगा, द रिनाउंड टेम्पल एट रनकपुर इज ए टेम्पल, रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक कौन से मंदिर से फेमस है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन के लिए फेमस है, रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक जैन मंदिर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रामचरितमानस इज एन इपिक पोएम रिटन इन व्हिच लैंग्वेज, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे कौन सी भाषा में लिखा गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवधि भाषा में लिखा गया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तुलसीदास वाज द ऑथर ऑफ, तुलसीदास किसके लेखक थे। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामचरितमानस के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चचनामा रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ हिच कॉन्क्विस्ट। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में कौन से विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रजमनामा इज ए प्रिजन ट्रांसलेशन ऑफ द रजमनामा का एक फारसी अनुवाद है। किसका फारसी अनुवाद है वो आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाभारत। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रजमनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ इन द 15th सेंचुरी कम फ्रॉम द अब्दुल रजाक समरकंदी। 15वीं शताब्दी में किस शहर में सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक जिक्र अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, विजयनगर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वाज रिटन बाय, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वाज रिटन बाय, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं की जीवनी को लिखा गया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज कॉल्ड अकबर दीन ए इलाही एज ए मोमेंट मोनूमेंट ऑफ द फॉली नोट ऑफ विजडम। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमता का स्मारक कहा है? वो कौन कहा है दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा बिसेंट स्मिथ ने। बिसेंट स्मिथ ने एक लेखक था दोस्तों, उसने अकबर के जो दीन ए इलाही धर्म था उसको मूर्खता का न कि बुद्धिमता का स्मारक कहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बिसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज द कोर्ट म्यूजिशियन। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मियां तानसेन। तानसेन को संगीतकार के रूप में नियुक्त किया था अपने दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टू हुम डिड अकबर गेव द टाइटल मियां। मियां, अकबर ने मियां का शीर्षक किसे दिया था? अकबर ने मियां का शीर्षक किसे दिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मियां तानसेन को। ठीक है, अकबर ने मियां का शीर्षक तानसेन को दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? बहुत बार इस चैनल पर करवाया गया, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आइए, इन 1739 हु डिफेक्टेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ करनाल। सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नदीर शाह ने। सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को नदीर शाह ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इवन बतूता बाज ए हु रोट अबाउट हिज ट्रेवल टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी। इवन बतूता का निवासी था, कहां का निवासी था, जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरक्को। इवन बतूता मोरक्को का निवासी था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, जिसने 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, द ट्रेवलर अलवरूनी हु विजिटेड इंडिया इन द 10th एंड 11th सेंचुरी वाज फ्रॉम विच कंट्री। 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अलवरूनी किस देश का था? अलबरूनी उज्बेकिस्तान का था दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि 10
सातवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में भारत आने वाला ये विदेशी था अलबरूनी, जो कि उज्बेकिस्तान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसिकोन्स वेरियर ए फ्रेंचमैन वाज एसोसिएटेड विथ द मुगल कोर्ट एज द फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिकोह द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्पायर। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस वर्नियर सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था, वो कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। ठीक है, फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो बाज ए, अमीर खुसरो कौन था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, अमीर खुसरो कौन था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अमीर खुसरो पोएट था दोस्तों, पोएट्री था ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा कवि था। अमीर खुसरो एक कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फेमस पोएट अमीर खुसरो बाज कंटेम्पोररी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फॉलोइंग। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब के समसामयिक थे? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश को छोड़कर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बीरबल वाज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? सब लोग कमेंट कीजिएगा, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में। ठीक है, बीरबल अकबर के दरबार में एक सलाहकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलबरूनी फ्रॉम उज्बेकिस्तान ट्रेवल्ड टू इंडिया इन विच सेंचुरी। उज्बेकिस्तान से अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? सब लोग कमेंट कीजिएगा, अभी डिस्कस किए। करेक्ट आंसर होगा 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द ट्रेवलर मार्को पोलो हु विजिटेड इंडिया इन द 13th सेंचुरी वाज फ्रॉम भीच सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का था? मार्को पोलो इटली का रहने वाला था दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जो कि 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला एक यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट इज सपोर्टेड टू हैव बीन इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को अमीर खुसरो द्वारा आविष्कृत किया गया था, इन्वेंटेड किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सितार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो बाज ए फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ। अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि था, ऑप्शन डी करेक्ट। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस सेशन को पूरा एंजॉय किए हुए होंगे। आप लोगों के लिए मैं जितना मेहनत करके डाटा कलेक्ट कर स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम को देखते हुए वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को ही फर्ज बनता है दोस्तों कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं समझूं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो मेहनत को कामयाब हो रहा है, ताकि मैं और भी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, और जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं जितने भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं उसका पीडीएफ 2 से 3 दिन के बाद टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें एंड वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।